सरकार ने पहली बार माना देश में फरवरी तक कोरोना महामारी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी, लेकिन समिति का मॉडल नहीं बता सका कि दूसरी लहर कब आएगी। 3 दिन और गरज के साथ चमकेंगे बादल, होगी बारिश, पारा 35 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंचा। राष्ट्र संत तुकड़ोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय ने अपने अंतिम सत्र के विद्यार्थियों के लिए अहम निर्देश किया जारी, कहा एक और मौका, परीक्षा से चूके तो कॉलेज में भरे ऑनलाइन फॉर्म। सरकार के काम में भी इंतजार, खाली नहीं हुआ विधायक निवास, 7 दिसंबर से शीत सत्र होगा शुरू। जिले में कोरोना मरीजों की रफ्तार हुई कम, रविवार को 374 मिले पॉजिटिव, तो वहीं हुई 22 की मौत। मेट्रो के साउथ एयरपोर्ट रेलवे स्टेशन पर बनाए गए प्लांट का महापौर जोशी ने किया निरीक्षण, कहा योजना पर हो रहा है तेजी से अमल। साइबर अपराधियों ने खाकी को भी बनाया निशाना, पलक झपकते ही पुलिस अधिकारी सहित 2 के खाते से 2,60,000 रुपए निकाले, ऑनलाइन धोखाधड़ी का मामला। पुलिस कर्मियों को चकमा दे मेडिकल से भागा कैदी, 6 साल पहले सकरधरा क्षेत्र में हुई थी हत्या का आरोप। 3 करोड़ रुपए की लागत से विधान भवन इमारत की होगी 7 सज्जा, विधानमंडल समिति का दौरा टला, अब दशहरे के बाद आने की संभावना। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय विमानतल नागपुर के निजीकरण का मामला एक बार फिर ठंडे बस्ते में, विमानतल के निजीकरण के लिए कई कर्मचारी तैयारी में जुटे।